नमस्कार मित्रों, आने वाला वर्ष आपका कैसा रहेगा? नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये वर्ष बहुत कुछ लेके आए और आपके जीवन में जो आपने अब तक नहीं पाया, ये वर्ष आपको वो सब देगा। ये हमारी ईश्वर से कामना है। आज हम देखते हैं मेष राशि वालों के लिए ये वर्ष कैसा जाएगा, उनका ये वर्ष 2024 कैसा जाएगा, आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए, ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। इसमें इनके साथ में कई चीज़ें हैं, कई ऐसे परिवर्तन देखेंगे जो इन्होंने पिछले साल 2023 में, इनका वो वक्त अच्छा नहीं गया, लेकिन आने वाला वक्त इनके लिए अच्छा है, इनका वेलकम कर रहा है। इनका अगर देखा जाए जनवरी फरवरी बहुत अच्छा जाएगा। इनको अच्छे लोगों और बुरे लोगों की पहचान करने का मौका मिलेगा। वो चीज़ इनको दिखने लगेगी जिसको ये नहीं देख पा रहे थे। ये कहा जाए लोगों पे ये बहुत जल्दी भरोसा कर लेते थे, लेकिन जनवरी फरवरी में इनको वो चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी जो लोग इनके साथ छल कपट कर रहे थे। तो पता चल जाएगा कौन इनके साथ इंसान है, कौन सा नहीं है। अगर हम बात करते हैं मार्च और अप्रैल में, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को बंधन में महसूस करेंगे। बंधन कैसे, ये उस बंधन से मुक्त हो सकते हैं, खुद हट सकते हैं, लेकिन ये कहा जाए कि हो सकता है किसी तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व हो जाए, या फिर कहा जाए इनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे में थोड़ा ये अपने आप को मार्च और अप्रैल में इनको अपने ऊपर संयम रखना चाहिए और लोगों से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर इनको लगता है इनके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो इनके साथ छल कपट धोखा कर सकता है, उस इंसान से बहुत ज़्यादा सतर्क रहें और उससे दूरी मेंटेन करके रखें। फिर अगर हम बात करते हैं मई और जून इनका बहुत अच्छा जाने वाला है। उस टाइम ये पूरी तरह से सतर्क हो चुके होंगे, इनकी चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी होंगी और ये अपने जीवन में जो करना चाह रहे थे वो सारी चीज़ें इनकी आराम से ऑटोमेटेड मोड पे चल रही होंगी। उस समय इनको किसी तरह की घबराहट या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं जुलाई और अगस्त की। जुलाई अगस्त में इनके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती हैं परिवार में या ऑफिस में या व्यापार में, कि ये अपनी अपनी बातों को रख के एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहेंगे। हर आदमी अपनी अपनी बातों का तर्क देगा कि मैं सही हूँ। इस बात को लेके इनके जीवन में थोड़ी समस्या आ सकती है। तो इनको ये सलाह दी जाती है कि आप इस टाइम पे, जुलाई और अगस्त में, इस टाइम पे आपको थोड़ा संयम बरतना चाहिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए और आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो दूसरे लोग कह रहे हैं उनको भी सुनना चाहिए। फिर हम बात करते हैं अक्टूबर नवंबर में। आपका एक बहुत बड़ी टीम खड़ी हो चुकी होगी, आपने जो प्लानिंग की होगी वो भी आपकी क्रियान्वयन हो चुकी होगी, आपने एक्शन ले लिया होगा, आप बड़ी स्पीड में होंगे। उस समय आपका थॉट प्रोसेस जो होगा बहुत स्ट्रांग होगा और आप अपने जीवन में जो करना चाह रहे थे उसमें एक्शन मोड में आ जाएंगे और वो एक्शन मोड आपको सफलता भी देगा। फिर अगर हम बात करते हैं नवंबर दिसंबर में, ये माह आपके लिए बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि आपको किसी फीमेल एनर्जी द्वारा, अगर आप मेल हैं तो फीमेल, अगर फीमेल हैं तो मेल, मेल एनर्जी द्वारा आपको सहयोग मिलेगा। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इंसान आ जाए जिसके आने के बाद आपको सुख या आनंद की अनुभूति हो, प्रेम की अनुभूति हो। ये वक्त आपके लिए वो रहेगा जो आप अपने मन के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सुख आया है और इस सुख को आपको भोगना भी पड़ेगा और इससे आप आनंदित या प्रफुल्लित भी होंगे। मित्रों, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल 24 आपका कैसा रहेगा, तो देखा जाए तो मोर देन 80% आपका साल बहुत अच्छा जाने वाला है। बस आपने जो सोचा है उस पर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए और अपनी बुद्धि विवेक पे ध्यान दीजिए। और थोड़ा मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपने मन में जैसा सोचेंगे वैसा होगा, तो कुछ भी निगेटिव मत सोचिए, सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा और आप अपने पथ पे आगे बढ़ते ही रहेंगे। मित्रों, अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि ये आपको तो लाभ देंगे, आपके जो जानने वाले होंगे उनको भी ये फायदा देंगे। मित्रों, अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने बताया कि आपका 2024 कैसा रहेगा, अगर हम बात करते हैं इसमें आपको क्या उपाय करना चाहिए। अगर हम देखते हैं तो ऐसे में आपको दो तीन चीज़ों को ध्यान देना है। पहला तो ये है कि शनिवार और मंगलवार को जो रोड पे, स्ट्रीट पे डॉग्स होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। साथ ही साथ में कहा जाए कि आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए,
दूसरी बात कहा जाए कि किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करिए, या अगर आपको कुछ कोई खिलाना पिलाना चाहिए उसमें थोड़ा आप सतर्कता बरतिए कि अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको मक्खन पॉलिश कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पॉलिशिंग कर रहा है, तो उन इंसान से आपको सतर्क रहना चाहिए। मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करें और अपने चाहने वालों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनके जीवन में भी पॉजिटिव परिवर्तन आए। मित्रों, एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर।